Assalamu alaikum. You're welcome in FEI's online classes, and this video is for class 10th, and the topic is resources and development. When we look at the definition of resources, jab hum resources ki taraf dekhte hain, to it is basically anything which satisfies our needs. Koi bhi cheez apni aankhein band karke, jo bhi aapke samne cheez aankhein kholne ke baad nazar aayegi, wo resource hai, aur aap dekhenge kisi na kisi tarah se wo aapki need ko satisfy karta hai. Aur koi bhi cheez, in simple terms, anything which has usability, utility, use or any kind of use, that is simply a resource. Isko hum resource keh sakte hain. ठीक है सर, कोई भी चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट में आपको मिलती है उसको हम रिसोर्स का नाम दे सकते हैं, क्योंकि उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी कोई ना कोई नीड वेरी गुड सेटिस्फाई हो सकती है. व्हेन वी लुक एट दीज रिसोर्सेज एज फार एज एंड द ह्यूमन बींग्स, जब हम इनको दोनों को देखते हैं तो ह्यूमन बींग्स अपने रिसोर्सेज जो है उसके नेचर में रहते हैं उनका वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं. लेकिन प्रॉपर बेहतरीन सही और अच्छा इस्तेमाल एक ह्यूमन बींग अपने रिसोर्सेज या उसके नेचुरल रिसोर्स का या मैन मेड रिसोर्स का तब जाके वो कर सकता है जब वो नेचर में मिलने वाले रिसोर्सेज, अवेलेबल टेक्नोलॉजी और उन टेक्नोलॉजीज़ को चलाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं हमारे पास, उनका इस्तेमाल करके वो प्रॉपरली बेहतरीन और सही तरीके से इन रिसोर्स का इस्तेमाल करता है या उसको ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसकी मदद करते हैं. व्हेन वी लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ब्रॉडली वी कैन कैटेगराइज अवर रिसोर्सेज इनटू टू मेन कैटेगरीज, नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ताला के बनाए हुए या नेचर के बनाए हुए रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जिनको हम मैन मेड रिसोर्स भी कहते हैं. एंड फर्दर वी डिवाइड दीज नेचुरल रिसोर्सेज इनटू रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में. और उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्स को कंटिन्यूस रिसोर्सेज या फ्लो रिसोर्सेज को हम कहते हैं, मैं डिवाइड करते हैं, और बायोलॉजिकल रिसोर्स में डिवाइड करते हैं. तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को हम बाद में नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट्स या वाइल्ड लाइफ में डिवाइड करते हैं. व्हेन वी लुक एट द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, रिसाइकलेबल रिसोर्सेज जैसे मेटल्स और नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स जो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स वगैरह. ह्यूमन रिसोर्स को हम स्ट्रक्चर्स या इंस्टीट्यूशन की शक्ल में डिवाइड करते हैं या क्वांटिटी या क्वालिटी के बुनियाद पर डिवाइड करते हैं. व्हेन वी लुक एट दीज रिसोर्सेज ब्रॉडली वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, या तो वो लिविंग होंगे या तो नॉन लिविंग होंगे. और जो लिविंग थिंग्स हमारे एनवायरमेंट में हैं या हमारे पास हैं या रिसोर्सेज जो लिविंग है उनको हम एक और नाम बायोटिक रिसोर्स भी कहते हैं. एंड एज फार एज द नॉन लिविंग थिंग्स विच इज दे आर अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एबायोटिक रिसोर्सेज. तो लिविंग थिंग्स को बायोटिक और नॉन लिविंग थिंग्स को हम एबायोटिक रिसोर्स का नाम देते हैं. ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन की बुनियाद पर अगर हम देखें हमारे पास यही दो रिसोर्स आते हैं, बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्सेज. जो हमारे बायोस्फीयर में पाए जाने वाले जो हमारी लाइफ ह्यूमन बींग्स हैं, फ्लोरा फाना या फिशेज हमारे रहते हैं, ठीक है सर, या लाइव स्टॉक हैं, इसको हम ऑरिजिन की बुनियाद पे हम कहते हैं ये बायोटिक रिसोर्स हैं. और एबायोटिक रिसोर्स या नॉन लिविंग थिंग जो हमारे पास रहते हैं, मेटल्स, रॉक्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है लेकिन रिसोर्स हैं, उसको हम एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन. एट द सेम टाइम वी कैन क्लासीफाई अवर रिसोर्स ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी या रिन्यूएबिलिटी की बुनियाद पर भी हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं. व्हेन यू लुक एट दिस एग्जॉस्टिबिलिटी, हमारे पास दो टाइप्स के रिसोर्स आएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. व्हेन यू लुक एट द रिन्यूएबल रिसोर्स, दीज आर बेसिकली सच रिसोर्सेज हु कैन रिन्यू देमसेल्व्स और रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स फिजिकली, केमिकली या मैकेनिकल जो प्रोसेस रहते हैं उनकी मदद से जब ये रिप्रोड्यूस होते हैं या रिन्यू होते हैं, इन रिसोर्स को हम सिंपली रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. इसमें हमारी विंड आएंगी, वाटर, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, ये सारे के सारे रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं. और बाद में इन्हीं रिन्यूएबल रिसोर्स को हम कंटिन्यूस या फ्लो रिसोर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें विंड, वाटर वगैरह आते हैं. जहां तक बात नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की है, व्हेन यू लुक एट द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच इज देयर इन आवर एनवायरनमेंट, ये वो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू तो होते हैं बट इट टेक्स लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, हजारों साल लगते हैं इनको रिन्यू होने में. दैट इज द रीजन वी कैटेगराइज देम एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड व्हेन वी लुक एट द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें हमारा फॉसिल फ्यूल्स वगैरह आते हैं, मेटल्स वगैरह आते हैं, बट दे आर फर्दर क्लासिफाई इनटू रिसाइकलेबल रिसोर्स एंड नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में हमारा मेटल तो आएगा, लेकिन ये रिसाइकलेबल भी है दूसरे साइड से, इसको हम रिसाइकल करके दूसरी बार इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी तरफ हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, बट एट द सेम टाइम ये नॉन रिसाइकलेबल है, इनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते. एक बार आपने स्कूटर में या गाड़ी में 1 लीटर फॉसिल फ्यूल डाला तो वो भाई साहब कुछ किलोमीटर के बाद खत्म हो जाएगा, यू आर नॉट सपोज्ड टू रिसाइकल दैट. बट व्हेन वी लुक एट द मेटल्स, दे आर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर बट दे आर ऑल्सो रिसाइकलेबल इन नेचर, उनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं.
तो यहाँ पर एक अच्छी खासी फोटोग्राफ बनी हुई है जहाँ पर आप रिन्यूएबल रिसोर्स को देख सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या टाइडल एनर्जी हमारे पास रहते हैं, दीज आर ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द बेस ऑफ ऑनरशिप। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये रिसोर्सेज है किसके, जिसको हम ऑनरशिप बोलते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ ऑनरशिप वी कैन कैटेगराइज अवर रिसोर्स इन द फोर कैटेगरीज। नंबर वन, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। व्हेन वी लुक एट द इंडिविजुअल रिसोर्स, सिंपल और सादा, अगर कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसा लैंड है जो किसी पर्टिकुलर इंसान की है, उसकी है, या गवर्नमेंट ने किसी को अलॉट किया हुआ है, तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो चीज़ें होंगी, लिविंग होंगी, नॉन लिविंग होंगी, उनको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। आई बात समझ में? वेरी नाइस। बट व्हेन वी लुक एट द कम्युनिटी रिसोर्स, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो एक इंसान के नहीं, बहुत सारे इंसानों के होते हैं, एक कम्युनिटी के होते हैं। जैसे हमारे पास ग्रेवयार्ड्स रहते हैं, कब्रिस्तान जो होते हैं वो कम्युनिटी के होते हैं, ठीक है सर। इसी तरह से हमारे पास ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, घास चरा के मैदान वगैरह, पब्लिक पार्क्स होते हैं, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, प्ले ग्राउंड्स वगैरह, या इसी तरह से कोई भी ऐसा रिसोर्स जो कम्युनिटी का है, उसको हम कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। यानी कि एक इंसान के होने के बजाय बहुत सारे इंसानों की, जब आपके पास एक कम्युनिटी में जो रहते हैं राधा, उनकी रिसोर्सेज को हम कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं, ठीक है सर। इसी तरह से नेशनल रिसोर्सेज, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जिसको हम कंट्री कहते हैं, इसमें पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्स होते हैं, रेल्स, रोडवेज, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जो पाए जाने वाले पानी वगैरह हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल रिसोर्स। और ये भी आप याद रखेंगे कि अगर समुद्र के साथ कोई कंट्री लगी हुई है, ठीक है सर, उसकी जो टेरिटोरियल वाटर्स रहते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स आप याद रखना 12 नॉटिकल माइल्स, जो कि लगभग 19.2 किलोमीटर्स आता है कोस्ट लाइन से आगे समुद्र में, वो इलाका भी नेशनल रिसोर्स में ही कंसिडर किया जाता है। एक तो वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो लैंड के अंदर होते हैं, इवन के समंदरों के अंदर 19.2 किलोमीटर तक एरिया भी नेशनल रिसोर्स में कंसिडर किया जाता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो पूरी दुनिया के हैं। हाँ, जब हम ओशियंस की तरफ चले जाते हैं, ये तो हमें पता होगा ही कि जो हमारे पास लैंड होता है एक कंट्री का, वो तो उसमें पाए जाने वाले सारे रिसोर्स तो उसी के होते हैं, लेकिन हमारे पास समुद्रों के अंदर ऐसी जगह होती हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल एरिया उसको कहा जाता है। वो इलाका जो है उसमें हमारा जो है क्या बोलते हैं, उसमें पाए जाने वाले रिसोर्स जो होते हैं उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। जब हम बेस लाइन से, कोस्ट लाइन से देखते हैं, लगभग 200 नॉटिकल माइल्स, जहाँ पर किलोमीटर लिखा है बेसिकली 200 नॉटिकल माइल्स हैं, जो कि लगभग 370 किलोमीटर्स आते हैं, वो इलाका जो होता है वो एक कंट्री को ही बिलोंग करता है। 200 नॉटिकल माइल से आगे वाला समुद्र का इलाका जो होता है वो किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता है। सच एरियाज आर कॉल्ड सिंपली एज इंटरनेशनल वाटर्स, और उनमें पाए जाने वाले जो होते हैं रिसोर्स, उनको हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है सर। तो इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो इलाके जो किसी की हदी इख्तियार में नहीं आते, दोज एरियाज विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर सिंगल कंट्री आर सिंपली कॉल्ड एज इंटरनेशनल एरियाज आर इंटरनेशनल वाटर्स पर्टिकुलरली, और उनको हम इंटरनेशनल रिसोर्स का नाम दे देते हैं। और याद रखना, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स, जो कि 370 किलोमीटर बन जाता है, उसको हम इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कहते हैं, ठीक है सर। यहां पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल एक मकान इंडिविजुअल रिसोर्स बनता है, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्स एक पार्क को दिखाया गया है, नेशनल रिसोर्सेज रेलवेज रोडवेज, और इसी तरह से इंटरनेशनल रिसोर्स जो आप देख सकते हैं यहां पर इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के आगे जो इलाका रहता है उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज में लेते हैं, ठीक है सर। बहुत अच्छी तरह से आप देख चुके होंगे ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट, आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं रिसोर्स को, उसमें भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है सर पोटेंशियल रिसोर्स, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर रिसोर्स है जिसको आप प्रेजेंटली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं एक रीजन में, ठीक है सर। जैसे सोलर एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल पड़ा हुआ है गुजरात और राजस्थान में, लेकिन प्रेजेंटली हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या बना नहीं रहे हैं वहाँ पर, वो तो रिसोर्स हैं, सोलर एनर्जी वहाँ पर हमारे पास रिसोर्स पड़ा हुआ है, बट इट इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्स, आगे जाने वाला, आगे इस्तेमाल होने वाला रिसोर्स। और डेवलप्ड रिसोर्स, याद रखेंगे आप, दीज आर सच रिसोर्स विच यू आर यूटिलाइजिंग एट द प्रेजेंट टाइम। हमें इसकी क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ पता होगा किसी रिसोर्स का, और टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उसकी मदद से हम उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सच रिसोर्स आर सिंपली कॉल्ड एज डेवलप्ड रिसोर्स। इसी तरह से हमारे पास कुछ रिसोर्स ऐसे रहते हैं एनवायरमेंट में जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होती है। गॉट इट सर। अगर आपके पास किसी जगह पे कोई रिसोर्स पड़ा हुआ है लेकिन आप प्रेजेंटली उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, वो रिसोर्स कहलाए जाएंगे स्टॉक, ठीक है। इसी तरह से आपके पास रिजर्व्स दूसरी कैटेगरी रहती हैं हमारे इस रिसोर्सेज की, ये वो रिसोर्स रहते हैं जिनका जो हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इस्तेमाल कर तो सकते हैं,
ठीक है सर, हाँ, लेकिन नहीं कर रहे होते हैं इस चीज़ को लेके कि कल जाके फ्यूचर जनरेशन्स को ये देंगे हम या उनकी उनके लिए रखेंगे हम, तो इसीलिए उन रिसोर्स को हम रिजर्व्स का नाम देते हैं. यू आर हैविंग सच रिसोर्सेज विच यू कैन यूज़ एट द प्रेजेंट टाइम विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, बट यू आर नॉट यूजिंग देम, कीपिंग दिस थिंग इन योर माइंड दैट दिस विल रिमेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन. सच रिसोर्स आर सिंपली कॉल्ड एज या रिजर्व, इनको कहा जाता है. अब चूंकि हमारे पास लैंड जो है ये एक प्रॉब्लम बनी हुई है पूरी दुनिया में कि हम लैंड एज अ रिसोर्स तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं पास्ट में जिनकी वजह से हमने बहुत हद तक बहुत अच्छा खासा पोर्शन दुनिया का जो है ख़राब करते हैं, जिसको हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं. तो लैंड डिग्रेडेशन एक प्रोसेस है, एक सिस्टम बना हुआ है दुनिया में जिसकी वजह से अच्छा खासा पोर्शन हमारे लैंड का बर्बाद हो चुका है. हम वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, हमारा बहुत सारा गंदा मटेरियल इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम डंप करते हैं ज़मीन में, उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाती है. और डिग्रेड, आप याद रखना, व्हेन ए पीस ऑफ लैंड इज़ नॉट एबल टू कल्टिवेट एनीथिंग, जब ज़मीन पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, किसी काम की नहीं रह जाते, उस सिचुएशन को हम सिंपली क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन. और ये डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल जो इंडस्ट्री से निकलता है उससे हो जाता है. अनदर पॉइंट विच लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन इज ओवर इरीगेशन. जब हम बार बार बहुत ज़्यादा पानी ज़मीन में डालते जाएंगे, इससे एल्कलिनिटी और सैलिनिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि ज़मीन के अंदर का जो साल्ट है वो ऊपर आ जाता है. इट ऑल्सो लीड्स लैंड डिग्रेडेशन. अच्छा, ओवर ग्रेजिंग एक चीज़ है जिसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होती है. ओवर ग्रेजिंग क्या होता है कि जो हमारे पास लाइव स्टॉक्स रहते हैं, जो हम जिनको हम फॉरेस्ट्स में ग्रेजिंग लैंड्स में बार बार ग्रेजिंग करने के लिए ले जाते हैं, उनसे भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है, क्योंकि वो छोटे छोटे प्लांट्स को खा जाते हैं और वो बड़े बनने के बाद लैंड को होल्ड करके रखते, सॉइल इरोजन नहीं हो जाता, लेकिन जो ही आपने ओवर ग्रेजिंग कर दी उससे डिफॉरेस्टेशन हो जाते हैं. दिस ऑल्सो लीड्स लैंड डिग्रेडेशन. और इसी तरह से वेस्ट वाटर जो हमारे पास इंडस्ट्रीज से निकलता है, हाँ, गंदा पानी जिसे एफ्लुएंट वाटर जो होता है, वो पानी जब हम रिलीज़ करते हैं वहाँ से लैंड्स के ऊपर, उससे भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाते हैं. अच्छा, जब हम मिनरल प्रोसेसिंग करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन या सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, कैल्साइट वगैरह जो होता है, या सोप स्टोन रहते हैं, सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ में जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसिंग के द्वारा, जो डस्ट वगैरह निकलता है, दैट जो अल्टीमेटली लैंड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और विद द पैसेज ऑफ लॉन्ग टाइम दिस ऑल्सो डिग्रेड्स द लैंड. जो एडजोइनिंग एरियाज होते हैं इस डस्ट के वजह से वो खराब हो जाते हैं. इसके बाद आपके टॉपिक में है, वहां पर गांधी जी का एक आइडिया लिखा गया है रिसोर्स कंजर्वेशन के हवाले से. गांधी जी कहते हैं कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, वट एवर रिसोर्स आर देयर इन अवर नेचर, दे आर सफिशिएंट फॉर फुलफिलिंग द नीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, बट वट विल यू गेट द ग्रीड, ग्रीड है, ग्रीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कम पड़ेंगे. नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास काफ़ी हैं, बट किसी की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्स कम पड़ जाते हैं. और गांधी जी ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाई मैसेस. मास प्रोडक्शन के खिलाफ था, लेकिन मैसेज के जरिए से प्रोडक्शन करने के वो इसमें था, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हवाले से रिसोर्स को एक्सप्लोटेशन करने के भी वो खिलाफ था. अब हमारे पास जो पॉइंट आता है इन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने के हवाले से, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मेरे हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ लो डेवलपमेंट विदाउट साइड इफेक्ट्स. आप इंडस्ट्रीज लगाओ, सब कुछ करो, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ इकोलॉजी, नॉट एट द कास्ट ऑफ दिस एनवायरमेंट. सिंपल और सादा, आप इंडस्ट्रीज लगाओ लेकिन ऐसे इक्विपमेंट्स लगाओ जिससे कम जो है एनवायरमेंट को खतरा हो या डिग्रेड हो, लैंड डिग्रेडेशन हो. आप पानी इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसिंग के द्वारा, वो खराब होने के बाद आप रिलीज करते हैं, मत करो ना, प्रोसेस करो, उसको ट्रीट करो, वापस पानी को साफ करो, उससे सॉइल पोल्यूशन या सॉइल इरोजन या सॉरी सॉइल डिग्रेडेशन या वाटर पोल्यूशन रुक जाएगा. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सिंपल समझ लो कि डेवलपमेंट आप करो, मॉडर्नाइजेशन आप लाओ अपनी इकोनॉमी में, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट. और अब इस चीज़ को देखते हुए अगर हम देखें, हमारे पास एक प्रोसेस रहता है रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग एक तरीका है जिसमें हम प्रॉपरली बेस्ट तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले रिसोर्स में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्सेज को, उनकी मैपिंग करते हैं, उनकी हम जो है अच्छी तरह से क्वांटिटी क्वालिटी को चेक करते हैं. उसके बाद दूसरा स्टेप आता है एक्सप्लॉयटेशन प्रोसेस, कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी या स्किल्स वगैरह को लेके इस पर्टिकुलर रिसोर्स का इस्तेमाल एक्सप्लॉयटेशन करें, कौन सा बेहतरीन तरीका इसके हवाले से रहेगा. और तीसरे स्टेप में रिसोर्स प्लानिंग में आता है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, जो आपकी नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको देखते हुए कितना कौन सा रिसोर्स कितना निकालना है, किस तरह से निकालना है, कौन सी टेक्नोलॉजी को लेके निकालना है, वो तीसरे स्टेप में आता है. इंपॉर्टेंस ऑफ जो रिसोर्स प्लानिंग है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं, अगर हम रिसोर्स
प्लानिंग नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कुछ इलाकों में ज़्यादा कोई रिसोर्स पाए जाते हैं, कुछ इलाकों में वही रिसोर्स कम पाए जाते हैं। लेकिन रिसोर्स प्लानिंग के सिस्टम में हम एक रिसोर्स का एक कंट्री में इस्तेमाल करेंगे लेकिन उससे सबको फ़ायदा होगा। जिस तरह से राजस्थान में हमें अच्छी खासी सोलर एनर्जी मिलते हैं जबकि दूसरे इलाकों में वो नहीं मिलते हैं, इसी तरह से अगर हम देखें हमारे पास मध्य प्रदेश बहुत अच्छा इलाका कंसिडर किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश को देखें ये या लद्दाख को देखें, हमारे पास ये बहुत जो इलाके हैं इनमें ज़्यादा रिसोर्स नहीं पाए जाते हैं। देयर आर सम रिसोर्स रीजन्स विद इन इंडिया हैविंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स बट सम रीजन्स आर हैविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स। इसी तरह से जो वेस्टेज रिसोर्स की होती हैं वो रिसोर्स प्लानिंग में दूर की जाती हैं, क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग में देखा जाता है कि कोई रिसोर्स किसी तरह से वेस्ट ना हो। और एट द सेम टाइम इसकी इंपॉर्टेंस रिसोर्स प्लानिंग की इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो पोल्यूट होता है वो रिसोर्स प्लानिंग में देखा जाता है कि किसी तरह से एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स भी इस रिसोर्स प्लानिंग में रोकी जाती हैं। ठीक है सर, आपने ये सुना होगा कि सॉइल जो हमारा नया टॉपिक यहाँ पर है, सॉइल फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं कि सॉइल बनने की जो रफ्तार है चूँकि वो कम रहती है, कौन कौन से ऐसे तरीके रहते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में या सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस में हमारी मदद करते हैं। क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, टोपोग्राफी कहाँ पर ये सॉइल फॉर्मेशन हो रही है, नेचर ऑफ पैरेंट रॉक जिस रॉक से सॉइल बन रही है वो कैसी है, अगर वो सॉफ्ट है तो सॉइल फॉर्मेशन जल्दी होगा, अगर वो हार्ड होगी तो कम होगी। वेजिटेशन कवर, अगर हम देखें जिस इलाके में सॉइल फॉर्मेशन हो रही है अगर वहाँ पर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों की वजह से उस सॉइल में जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट ऐड हो जाते हैं जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, और ह्यूमस सॉइल फर्टिलिटी में मदद करता है। ठीक है सर, इसी तरह से अगर हम देखें लैंड कंजर्वेशन मेथड्स हमारे पास रहते हैं कि क्यों हमें लैंड कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम देखें सॉइल इरोजन या डिफॉरेस्टेशन या हमारे कंट्रोल ग्रेजिंग या एनकरेजमेंट ऑफ एफॉरेस्टेशन वगैरह जो है इनकी वजह से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक तरह से लैंड को इस्तेमाल भी करना है लेकिन दूसरे साइड से उसकी कंजर्वेशन का भी हमें पूरी तरह से ध्यान रखता है। इसी तरह से लैंड कंजर्वेशन में हम शेल्टर बेल्ट्स लगाते हैं। शेल्टर बेल्ट एक प्रोसेस है जिसमें हम डेजर्ट्स के इलाकों में डेजर्ट की सैंड को आगे बढ़ने से रोकते हैं, हम वहाँ पर पेड़ लगाते हैं उसके एजेस पे ताकि विंड की जो स्पीड है वो कम हो जाए और सैंड पीछे ही रह जाए, वो आगे ना जाए, क्योंकि अगर वो आगे चलती रही तो अच्छी लैंड भी सैंड के अंदर हो जाएगी और वो डेजर्ट बन जाएंगे। इसी तरह से हम क्या देखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लैंड कंजर्वेशन मेथड्स में लाते हैं ताकि नई टेक्नोलॉजी की मदद से वेस्टेज कम हो रिसोर्सेज की, और इस तरह से रिसोर्स का बहुत देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से रिसोर्स कंजर्वेशन में या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं जो उनका सही इस्तेमाल हो और उनकी वजह से ख़राब होने वाला जो पानी है वो ट्रीट हो, वो किसी तरह से वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ ना होने पाए, उस तरह के वहाँ पर इकदाम किए जाते हैं कि वहाँ पर केमिकल्स की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को रोका जाए। और इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि ओवर इरीग्रेशन जो होती है उसकी वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान का जो इलाका है दिस इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और हम ये भी देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इलाकों में अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि एक किसान को जब पता ही नहीं होगा कि ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से भी उसकी लैंड डिग्रेड हो जाएगी, तो ये भी हम रिसोर्स कंजर्वेशन में कोशिश करते हैं लोगों को समझाने की कि कितना पानी हमें एक फसल को देना चाहिए। और ये नए मेथड्स ऑफ इरीगेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं आजकल के दौर में, स्प्रिंगलर्स वहाँ पर हम लिखते हैं या ड्रॉप इरीगेशन जिसको हम कहते हैं, उनकी मदद से हम इरीगेशन अच्छी और बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। एक तो क्रॉप भी अच्छी हो जाती है और दूसरे साइड से वहाँ पर ये जो एल्कलिनिटी या सैलिनिटी जो होती है लैंड की वो बरकरार रहती हैं और वो ज़्यादा नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड नहीं होता है। तो दिस वाज द वीडियो नंबर वन ऑफ दिस वेरी लेसन। दूसरे वीडियो में हम आगे जाके और अच्छी बातें इस टॉपिक के हवाले से करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।